अनूप कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक NSG से आग्रह करता हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प भेंट कर उनका अभिवादन करें। धन्यवाद महोदय। आज संपूर्ण NSG के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 20 सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर ये दोनों कदमों का जो राजनीतिक निर्णय और हमारे जवानों ने जो साहस दिखाया, इसके कारण मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम आज पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ लिया जाता है कि भारत एक देश है। अपने जवानों के खून का बदला अंदर जाकर, घर में जाकर लेने की सक्षमता लगता है और लेकर भी आता है। जब तक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुए, उसके पहले पूरी दुनिया में दो ही देशों का नाम था, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों के खून के कतरे कतरे का बदला लेना जानते थे और घर के अंदर जाकर जिन्होंने हिमाकत की है उसको दंडित करने का पावर रखते थे। मगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होने के बाद मैं मानता हूं ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम हमारे और इसी के परिणाम स्वरूप एक प्रोएक्टिव सुरक्षा नीति, जिसकी बहुत समय से देश राह देख रहा था, वो आज देखने को मिल रही। इतने लंबे समय तक, 70 सालों तक देश की सुरक्षा नीति और देश की विदेश नीति के अंदर इतना घालमेल रहा कि सुरक्षा नीति क्या है वो कोई स्पष्टता के साथ समझ ही नहीं पाता। मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच में जो बारीक भेद रेखा थी, इसकी जगह सुस्पष्ट दोनों नीतियों को अलग कर दिया गया। हम विश्व भर में शांति चाहते हैं। भारत ने कभी 10,000 साल के इतिहास में किसी पर आक्रमण नहीं किया। विश्व भर में हम शांति चाहते हैं, मगर हम हमारी शांति में इस प्रकार की सुरक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद पहली बार बनी। अनूप जी ने कुछ चीजें मेरे सामने रखी है, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि अनूप जी, आप मेरे मन में है इससे बहुत कम मांगे हैं। मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की, मोदी सरकार की एक प्रायोरिटी है कि जो देश की सुरक्षा कर रहा है वो जवान के परिवार के कल्याण के लिए, वो जवान के परिवार के स्वास्थ्य के लिए, इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी करना चाहिए वो सभी करने के लिए हम तैयार है। हम हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी बहुत जल्द इम्प्रूव करेंगे। हम जवानों को परिवार के साथ रहने का एक सुनियोजित, सिर्फ NSG नहीं, हर सुरक्षा बल के जवानों को अपने। अनूप जी ने बताया कि 115 जगह पे NSG ने एंगेज किया है, ढेर सारे NSG के जवान भी शहीद हुए, आतंकवादियों को भी मार गिरा है। परंतु मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी उपस्थिति का परिचय ही ऐसा हो कि आते वक्त ही डर लगे और आना ही छोड़ दे, इस प्रकार की उपस्थिति NSG की एक क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। जिनके मन में देश को तोड़ने का विचार है, जिनके मन में देश को क्षति पहुंचाने का विचार है, देश की शांति को भंग करने का विचार है, इसके मन में एक भय NSG की उपस्थिति का खड़ा करने का काम NSG का है। और अगर फिर भी आते हैं तो उनके साथ लड़कर उनको पराजित करने की भी जिम्मेदारी NSG की। NSG ने अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुंबई हमले के बाद NSG का विस्तार करने का निर्णय किया, बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल के साथ NSG ने उसको देश के सभी कोनों में अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराई है। और आज ये सुविधाएं जो होने जा रही है, इसे बहुत मजबूत तरीके से पूरे देश की सुरक्षा को कोऑर्डिनेट करने में NSG को फायदा मिलेगा।